नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जेट एयरवेज की नई अपडेट में। दोस्तों, आपको मैं हर रोज़ जेट एयरवेज के हिसाब से एक नई अपडेट देते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि जेट एयरवेज की जो 6 अगस्त को मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। आप सभी लोगों को पता है कि हर 15 दिन में मीटिंग होती है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि रिजोल्यूशन के बारे में क्या बातचीत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 अगस्त तक बिडिंग नहीं आने के कारण जो 6 अगस्त को मीटिंग हुई वहां पर आईआरपी ने बताया है मीडिया को कि रिजोल्यूशन जो है जेट एयरवेज की रिवाइवल का वो पास करवा लिया गया है। और जो बोली लगाने की जो नेटवर्थ है, जो भी बोली लगाएगा उसकी नेटवर्थ 1000 होनी, 1000 CR यानी 1000 करोड़ होनी चाहिए। उसी के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुजा ग्रुप और एतिहाद ग्रुप का बिडिंग 10 तारीख तक आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं साथ में SBI ने भी कहा है कि भैया हम 20 इन्वेस्टर से बात करेंगे और बात करने के लिए 20 इन्वेस्टर को और जेट एयरवेज के लिए लाएंगे। अब इसके बाद जो जेट एयरवेज के जो भी चुने गए इन्वेस्टर होंगे उसमें से सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए जो बीडर्स होंगे वो अपना अपना रिवाइवल प्लान जल्द से जल्द जेट एयरवेज के लिए सबमिट करेंगे, तो जेट एयरवेज रिवाइव हो पाएगा। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस अभी तक चल रही है और यही अपडेट है अभी तक। तो कैसी लगी ये अपडेट कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। मिली है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही आगे भी वीडियोस लाता रहूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में घातक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, शब्बा खैर, बाय।